हिंदी लैंग्वेज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए आज काव्य छंद के प्रकार जिनमें सोरठा और रोला दो जो है आप लोगों के कोर्स में हैं, तो सोरठा किसे कहते हैं इसको समझें, इसका उदाहरण देखें। ये दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के रूप में जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इसमें चार पंक्तियां हैं। प्रथम पंक्ति में 11 मात्राएं और तृतीय पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में 11 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएं हैं। जो यस की तरह बना हुआ है ये दो मात्राएं काउंट की जाती हैं, गिनी जाती हैं, और इसको जो है सिंगल एक मात्रा काउंट की जाती है। तो इस तरीके से जो पाई किसी अक्षर पे है उसको डबल मात्रा के रूप में गिनते हैं। तो इस तरीके से साधारण रूप से समझा जा सकता है कि इस पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे समझाया जा रहा है। इसी संदर्भ में अन्य उदाहरण भी हैं जिन्हें उपर्युक्त उदाहरण की तरह समझा जा सकता है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। अथवा बंदह मुनिपद कंज रामायण जे निर्मय सरवर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। ये अन्य दो उदाहरण हैं, इनको उपर्युक्त उदाहरण की तरह चार पंक्तियों में विभक्त किया जा सकता है और उनकी मात्राओं को समझा जा सकता है। तो दूसरा जो है उदाहरण और जो तीसरा उदाहरण, इस तरीके से ये तीन उदाहरण सोरठा के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा को अच्छे से तैयार करना है और उदाहरण मात्राओं सहित भी तैयार करनी है। तो आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी व्याकरण में सोरठा के बारे में बताया गया, जिसको सभी छात्र छात्राएं अपने कॉपी पे नोट करेंगे और इसकी परिभाषा, सोरठा की परिभाषा उदाहरण सहित याद करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। ओके।